मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी बारिश आकर गई है, आप देख सकते हो पीछे। ओ माय गॉड, अभी देखो कैसे उठने लगा है सब कुछ। ओ माय गॉड, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, दोपहर के हो गए हैं 3:30 और इस टाइम पे जनरली हम यहाँ पर बाहर नहीं आते हैं क्योंकि अभी कुवैत में समर स्टार्ट हो गया है। बहुत ही हॉट डे होता है यहाँ पर, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है, लेकिन आज बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम इतना ठंडा हो गया है, इसलिए हम बाहर आए हैं और हमें सब्ज़ी भी लानी है। तो मैं आपको सब्ज़ी मार्ट में लेकर जाऊंगी डेली फ्रेश, जिसका वीडियो मैंने एक साल पहले इस चैनल पर डाला था। आप देख सकते हो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है पीछे, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। और यहाँ पर है ये वॉकिंग ट्रैक, जनरली यहाँ पर लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। उस साइड पे आपको दिखेगा वो एक कॉलेज है, जनरली यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। विंटर के टाइम पे यहाँ पर बहुत रश होता है, और अभी 3:30 हो गए हैं, जो थोड़ा सा 4 बजे के बाद लोग आना स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर आने के बाद बहुत रिलैक्स फील होता है, पंछियों की बहुत आवाज़ आती है यहाँ पर, मतलब दोपहर हो बहुत धूप हो तब भी पंछियों की बहुत आवाज़ होती है। तो चलिए, अब थोड़ा सा वॉक हो गया है, अब जाते हैं डेली फ्रेश में, देखते हैं कौन सी सब्जियां मिलती है। सारी सब्जियां ख़त्म हो गई है घर में, तो अभी चलते हैं सब्जियां लाने के लिए। और हम हमारे डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जिसका नाम है डे फ्रेश। एक्चुअली इसका नाम पहले डेली फ्रेश था, वो चेंज होकर अभी डे फ्रेश हो गया है। और मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि यहाँ पर आने के बाद पहले हमें उठाना पड़ता है बास्केट, तो यहाँ पर बास्केट्स रखे हुए हैं और हम जा रहे हैं अभी अंदर। सो फ्रेंड्स, हम हमेशा ये वाले मैंगोज लेकर जाते हैं, और आपको इनका नाम गेस करना है। मैं आपको एक हिंट दूंगी, इनका नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही देने वाली हूँ। तो हिंट ये है कि इंडिया का एक फेमस स्टार किड है, तो उसका और इन मैंगोज़ का नाम सेम है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स कर मुझे बताइए क्या नाम हो सकता है इन मैंगोज़ का। अभी हम यहाँ पर हैं, शायद अभी घर नहीं जा सकेंगे, यहीं पे रुकना पड़ेगा। और सब कुछ, ओ
गॉड, सब कुछ उड़ने लगा है, आपको दिखा। दिस इज कॉल्ड सैंड स्टॉर्म। अभी देखो कैसे उड़ने लगा है सब कुछ। ओ माय गॉड, आई नीड टू गो इनसाइड। अभी सब कुछ उड़ने लगेगा। देखिए कितना सैंड आया, ये देखिए सैंड। ओ माय गॉड, बारिश भी आ रही है और ऊपर से ये सैंड भी आ गई है। और ये नॉर्मल है, यहाँ पर समर के डेज में होता है सैंड स्टॉर्म। भाग रहे घर पे। अभी थोड़ा सा कम हो गया है स्टॉर्म, बारिश आना स्टार्ट हो गई, लेकिन हम घर जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में यहाँ पर लास्ट ईयर का जो स्टॉर्म आया था तब हमने एक क्लिप शूट की थी, वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में डाल दूंगी सैंड स्टॉर्म की। और आप देख सकते हो कि कैसे कितना बुरा हाल होता है। मिट्टी मिट्टी हो गई, अब मेरा फोन भी मिट्टी हो गया सब। अभी घर जाके नहाना पड़ेगा ही। ओह गॉड, तो ये एक एक्सपीरियंस है, बहुत ही अजब लगता है ये। ऐसे सैंड स्टॉर्म जब आता है तो पूरी मिट्टी हो जाती है। तो चलिए अब जाते हैं अंदर, थोड़ी सी सब्जियां लेना और बाकी है। जब मैं सैंड स्टॉर्म का शूट करने गई थी तब तक राहुल ने बहुत सारी सब्जियां उठा ली और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ले लिए है। मैंगो ले लिया है, बनाना, ये जैक फ्रूट, नारियल, वाटरमेलन, यहाँ पर है एप्पल, बहुत सारे ले लिए फ्रूट से इस बार। सो यहाँ पर ये भी मिलता है, ये ग्रीन पपाया जो होता है ये भी मिलता है, इसकी सब्जी बनाते हैं बहुत सारे लोग। सब कुछ मिलता है यहाँ पर, वो है काउंटर उस साइड पे, और इस साइड पे है फ्रूट्स और कुछ ग्रोसरी भी आपको मिल जाती है। बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको, और जनरली यहाँ पर रखी हुई होती है पूरन पोली, लेकिन आज नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इन मैंगोज़ का नाम वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, तो इनका नाम है तैमूर और ये येमेन के मैंगोज़ हैं। अगर आप कुवैत में हो और आपको अच्छे वाले मीठे वाले मैंगोज़ खाने हैं तो ये मैंगोज़ ज़रूर ट्राई करना। आपको ये डे फ्रेश में और सोसाइटी या लुलू में मिल जाएंगे।
सो गाइज हम घर पर आ गए हैं और फ्रेश भी हो गए हैं। तो आपने देखा मैंने बहुत ही तारीफ की वेदर की, आज बता रही थी बहुत ही अच्छा वेदर है ऐसा वैसा, और पल में कैसा सब एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं उनको ये बातें नहीं होगी कि ये जो सैंडस्टॉर्म है यहाँ पर आता रहता है समर के टाइम पे, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ऐसा होता है कुवैत का अनप्रेडिक्टेबल वेदर, कभी अच्छा होता है कभी अचानक से ऐसे चेंज हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।